हन्तारणम् नमो सिद्धारणम् नमो आयुर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये समता नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्तुवावाय सर्वभावांतरस् सात तक की कक्षा या प्रवचन प्रवचन के नाम पर ही हो रही है कक्षा ही हो। छह द्रव्य कहकर के भी जीव की बात तो बता दी थी, छह द्रव्य कहकर के भी जीव की बात तो बताई थी ना, छह द्रव्य जीव तो आ ही गया था। लेकिन सात तत्व की चर्चा केवल जैन शासन में मिलेगी आपको, वो भी अद्भुत। छह द्रव्य की जानकारी क्यों दी थी, कल अपन ने क्यों पढ़ा था, क्या पढ़ा था, छह द्रव्य को जानने से क्या फायदा होगा, ग्रह मिथ्या दूर हो जाएगा, ईश्वर का जो सृष्टि कर्तावाद है वो भ्रम दूर हो गया, और सात तत्व को जानने पर पर्याय का कर्ता मैं हूँ ये भ्रम दूर हो जाएगा। सुनना ध्यान से, क्या कहा, इस विश्व का कर्ता ईश्वर है, इसका निश्चित तो छह द्रव्यों को जानने से हो गया, बराबर। लेकिन सात तत्व को जानने क्यों जानना है, क्योंकि एक पर्याय का भी कर्ता मैं नहीं हूँ। क्या कहा, समझ में आया, फिर इसमें निश्चय विवाद सब लगेंगे, अब उनको देखेंगे बाकायदा। तो जीव की परिभाषा में क्या लिया था अपने, जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या अंतर किया था, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव द्रव्य है, हाँ, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए उसका नाम जीव तत्व है। ज्ञान दर्शन जहाँ पाया जाता है वहाँ सुख भी पाया जाता है, क्या बोला वो हमने, जहाँ ज्ञान दर्शन पाया जाता है वहाँ पर सुख भी पाया जाता है। इसकी चर्चा में कल क्या लिया था अपने, अजीब, अर्थात जहाँ ज्ञान दर्शन नहीं था वहाँ हमारा सुख भी नहीं है, क्या बोला हमने, जहाँ हमारा ज्ञान दर्शन नहीं है शरीर अजीब है कि जीव है, शरीर जीव है कि अजीब है, अजीब, इसका मतलब है मेरा ज्ञान दर्शन भी इसमें नहीं है, हाँ, और सुख भी नहीं है, पक्का। तो जब बढ़िया नृत्य करते हैं तो सुख आता है कि नहीं आता है, आनंद आता है कि नहीं आता है, नहीं आता, नहीं आता। कल तो बहुत दृष्टांत दिए थे, टेलीविजन देखने से आनंद आता है कि नहीं आता है, टेलीविजन के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में सुख नाम का गुण है, नहीं तो फिर आता तो है, ये बात तो पक्की है, टेलीविजन देखने पर सुख आता है कि नहीं आता है, चलो सुख तो नहीं आता लेकिन दुख तो आता है, हैं? ले भैया इतने इतने बच्चे समय दृष्टि हो रहे हैं, दुख नहीं आता, दुख टेलीविजन देखने से दुख नहीं होता, बोलो भाई, ये आप समझाते हैं, आपको ध्यान से सुनना, जीव अजीव से सुखी भी नहीं होता, दुखी भी नहीं होता, दूसरी भाषा में कहें तो अजीव जीव को सुख भी नहीं देता और दुख भी नहीं देता। प्रवचन प्रारंभ हो रहा है आज का, अजीव मतलब कौन बोलेगा, अजीव मतलब ये तो हो गया, कल दो तरह के बताए थे, कल तो आप आए नहीं थे, हाँ, जो जानता देखता नहीं है वो भी अजीब है, कौन कौन है वो, पुद्गल काल, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये पांच द्रव्य ज्ञान दर्शन से रहित हैं, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है वो भी अजीब है, बराबर। अभी मुझे जो पढ़ाना है आज का प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूँ, अजीव जीव को सुख भी नहीं देता, दुख भी नहीं देता, बराबर। ध्यान से सुनना भैया,
यदि ये बात समझ में आ जाए तो हमारी सारी कंप्लेंट खत्म हो जाएंगे। मिथ्या दृष्टि की अनंत कंप्लेंट है, अनंत कंप्लेंट। या सर क्यों क्रिकेट में ऐसी कोई बॉल हो सकती है एक बॉल से सारे विकेट गिर जाए? हो सकती है, लेकिन जैन दर्शन में है वो बॉल। यदि तुम ये समझ जाओ कि अजीव जीव को सुखी दुखी नहीं करता, इसी का ही नाम अजीव है। अन्य जीव और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल पांच अजीव, और अजीव और जीव में अन्य जीव बराबर, ये जीव को सुखी भी नहीं करते और दुखी भी नहीं करते। अब मिथ्या दृष्टि की अनंत कंप्लेंट को एक बॉल से ही खत्म करना है, इसी बॉल से। मैंने बहुत हाईलाइट करने लायक बात है, मिथ्या दृष्टि को पूछो 24 घंटे उसके पास कंप्लेंट है, पंडित जी क्या बताएं, आप मजे में हो, मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। जो पत्नी से परेशान नहीं वो कहते मैं बच्चों से परेशान हूँ, ऐसे बच्चे हैं पूछो ही मत। जो बच्चे से भी परेशान नहीं बोलेंगे तो कंप्लेंट कौन सी आएगी, क्या पड़ोसी से परेशान हूँ, शत्रु से परेशान हूँ। पार्श्वनाथ भगवान कौन से परेशान थे 10 भाव तक है? आपको ईश्वरी नहीं मालूम? हाँ कमट, कमट से परेशान थे ना? हाँ गजब, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चे तो परफेक्ट हो गए एकदम, बहुत बढ़िया। पार्श्वनाथ भगवान कमट से परेशान नहीं थे, लेकिन कमट पार्श्वनाथ से परेशान था। बोलो बोलो, कमट पार्श्वनाथ कमट को परेशान कर रहे थे 10 भाव से। बोलो कितने लोग इस मान्यता में सहमत हैं कि पार्श्वनाथ कमट को 10 भाव से परेशान कर रहे थे? हाथ खड़े करो। नहीं कर रहे थे? क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों नहीं कर रहे जल्दी बोलो। क्योंकि हाँ बोलो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी नहीं कर सकता। कमट पार्श्वनाथ को और पार्श्वनाथ कमट को दुखी कभी करते नहीं, किया नहीं, कर सकते नहीं, करेंगे। तुम्हें कौन दुखी करता है स्कूल में? है कोई छोकरा ऐसा चिढ़ाता हो, ऐसे ऐसे करता हो दो उंगलियों से भैंस बंद करके? नहीं, कोई नहीं। तुम कौन से परेशान हो? क्या बताएं पंडित जी, बस ये शरीर ही थोड़ा ठिगना है, थोड़ा सांवला है, थोड़े दांत बाहर है, थोड़ा पंडित जी सिक्स पैक नहीं है। ले परेशान है कि नहीं है? नहीं। किसमें से निकाली ये बात? जीव अजीव से सुखी दुखी होता नहीं है। स्वयं सुखी दुखी हो वो अलग बात है, लेकिन कोई इसे सुखी दुखी कर सकता? मिथ्या दृष्टि कंप्लेंट सच्ची की झूठी? कितने परसेंट झूठी? जी 2-3 बच्चे तो कलाकार हैं, एकदम मस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप कौन से परेशान हो? क्या बताएं पंडित जी, बस मिथ्या दृष्टि का यहीं से स्टेटमेंट चालू होता, क्या बताऊं। आगे बोला, मैं अपने बॉस से परेशान, ये कोई सर्विस सुधा हो तो बताना भैया, वो जरूर बॉस से परेशान हो। जितने स्टूडेंट्स होते ना स्टूडेंट्स हॉस्टल में भी अपने बार्डन से परेशान होते नहीं, नहीं? क्या बताएं पंडित जी, 5 बजे हम रात को रोज ऐसी भावना भागे सोते हैं प्रभु, 5 बजे अलार्म की घंटी खराब हो जाए। देखिए अलार्म की घंटी खराब नहीं होती। क्या ओहो, परद्रव्य को दोष देना मिथ्या पर। जब भी तुम दुखी होने के नाम पर ये सोचते इनसे दुखी हूँ, इनके कारण से दुखी हूँ, आप जीव अजीव तत्व संबंधी भूल कर रहे हो। आपको नहीं मालूम जीव स्वयं से ही सुखी होता है और स्वयं से ही दुखी होता है। एक बार फिर से बोलो, जीव छोटे मेरे सामने क्या लिखा, जीव स्वयं की भूल से दुखी है और भूल सुधर जाए तो सुखी हो जाए। अपने को आप भूल कर दुखी हो रहे हैं और अपने को आप जानकर आप ही सुखी हो जाए, बराबर है? इस जीव का उद्यम तो भ्रम दूर करना है। भ्रम कौन सा? भ्रम दूर करना ही उपाय है, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। क्या बोलो, याद हुआ?
भ्रम जनित दुखों दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। मैंने 3-4 बार बोल दिया, इतनी देर में इंटेलिजेंट बच्चे समझ गए होंगे, तो मुझे उनसे पूछना है कौन सा भ्रम, कौन सा भ्रम, कौन सा भ्रम, बोल बेटी बार ये बच्चे जीत गया। आप लोग नहीं दे पाए जवाब, अभी पीछे कोई जवाब दो बढ़िया, कौन देगा बोलो, कौन सा भ्रम दूर करने से सुखी होते हैं, नहीं बोलोगे कोई भी, ये बच्चा तो बोल गया, बहुत प्यारा बोल गया, मजा आ गया, इसको 10 का नोट देना भैया, वेरी गुड, मजा आया, बहुत इतना बढ़िया जवाब देना, बहुत बढ़िया बात है, फिर से कौन, हाँ तुम बोलो, हाँ परद्रव्य हमें सुखी दुखी करता है, ये भ्रम दूर करने लाएगा। जीवा जी को क्यों जानना, आप पढ़ते ना, स्व पर भेद विज्ञान करेंगे, जी मने स्वय अजी मने पर और स्वय पर भेद विज्ञान करेंगे, कौन सा भ्रम दूर करना है, कि पर मुझे सुखी दुखी करता है या मैं पर को सुखी दुखी कर सकता हूँ, ये भ्रम है। फिर से पूछ रहा हूँ, देखे कौन बच्चे हाथ खड़े करते हैं, कौन सा भ्रम दूर करना है, जीव अजीव को जानकर हाथ खड़े करो फटाफट, ए अभी भी कोटा वाले बच्चे नहीं कर रहे, बांसवाड़ा वाले बच्चे हाथ नहीं खड़ा कर पा रहे, मैं और ऊंचा बैठू क्या, आप सिर नीचे क्यों कर लेते, एकदम ऐसा बैठो बढ़िया, मुझे दिखाई तो देना चाहिए, वेरी गुड, चलो कौन बोलेगा, बोल बेटे, हाँ इधर जितने हाथ खड़ा किया था, शाबाश, कोई से ही पूछूंगा बेटे, ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात है, हाँ बोलो, परद्रव्य हमें सुखी दुखी करता है या भ्रम दूर करने के लिए कौन सा तत्व पढ़ना चाहिए, जीव और अजीव, बहुत बढ़िया बैठ जाए, जीव अजीव तत्व की चर्चा बहुत काम की है, चलू आगे चलू, हो कल अपन ने एकत्व पढ़ा था, एकत्व याद है सबको, एकत्व अभी बहुत अच्छी चर्चा चल गई थी, कोई एक को दो नहीं कर सकता, कोई दो को एक नहीं कर सकता, धुआंधार बरसा हो रही थी अभी बहुत जोरदार, तो अब मेरा काम सरल हो गया उसमें, तो एकत्व से दुखी है ना जीव, जीव काय से दुखी है बेटे, काय से दुखी है, हाँ वेरी गुड, अच्छा बहुत बढ़िया, एकत्व से दुखी है कि एकत बुद्धि से, एकत बुद्धि एक द्रव्य में होती है, वाह बहुत बढ़िया, ये तो मजा आ गया, मेरे को तो ऐसा लगा तू मेरी सांस चल वाह ऐसे जोरदार बच्चे मिल जाए मजा ही आ जाए, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया, एकत बुद्धि दो द्रव्य में होती है कि एक द्रव्य में, दो द्रव्यों के बीच में एकत बुद्धि होती है, अनादि काल से दुख का मूल कारण है, बराबर, अभी एकत्व होती है, ध्यान से सुनना, टोटो बजे सामने कहा, ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा, जहाँ एकत्व बुद्धि होती है वहाँ ऑटोमेटिक ममत्व बुद्धि भी होती है, कर्तव्य बुद्धि भी होती है और भोक्तत्व बुद्धि भी होती है, क्या बोला बेटे, बोलो खड़े होकर बोलो, शाबाश, जहाँ टोटो में साहब लिखा है, जहाँ एकत्व बुद्धि होती है वहाँ ममत्व बुद्धि भी होती है, हाँ कर्तत्व और भोक्तत्व, तीसरे नंबर पर कर्तत्व, वेरी गुड, कर्तत्व बुद्धि भी होती है और भोक्तत्व बुद्धि भी होती है, मैं करूं और भोगूं में ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने बहुत बढ़िया हलवा बनाया और सब हलवा खा रहे हैं जोरदार और सब तारीफ कर रहे हैं, तो इसका सुख कौन भोगेगा, देखा मैंने बनाया, आज मैंने प्रवचन किया जोरदार, देखा सब कितने खुश हो रहे, मेरा प्रवचन है जोरदार, मैंने मैं प्रवचन का कर्ता बनूंगा तो भोक्ता भी बनूंगा, समझ आ गई बात, इतनी बात तो सरल है, वापस चले थोड़ी सी, एकत्व बुद्धि होती है वहां पर कौन कौन सी 3 बुद्धियां और हो जाती है ऑटोमेटिक, ममत बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि और भोक्तव्य बुद्धि, नए नए बच्चे 11-12 के बिल्कुल ध्यान से समझने बेटे, ठीक चले आगे, अभी देखो एकत्व बुद्धि का मतलब समझो जरा, करोड़ रुपया और मैं एक हूँ, तिजोरी में करोड़ रुपया है तो वो आदमी करोड़पति कहलाएगा कि लखपति, जल्दी बोलो, करोड़पति, तो वो कौन है, करोड़पति है, अरे बोलो ना, हैं? अब देखो कमाल की बात, करोड़ रुपया और मैं दोनों मिलाकर के वो एकत बुद्धि करके करोड़पति मानता है, वो नहीं
कौन कौन क्यों तुम गोरियों की सांवली हो? है पंडित जी हट्टा कट्टा जवान हूँ। जवान कौन है? जवान कौन है? आसमान जाति द्रव्य पर्याय, नाम बोलो। आसमान जाति द्रव्य पर्याय, आसमान समझ गए? आसमान मतलब जड़ और चेतन, जीव और ये पुद्गल, शरीर और आत्मा मिलकर के, दोनों दोनों मिलकर के मतलब एक पर्याय कहलाई, इसका नाम क्या हो गया? आसमान जाति द्रव्य पर्याय। तुम्हें क्या लगता है, तुम एक लड़का बैठे हो कि दो बैठे हुए हो? तुम बोलो, तुम एक बैठे हो कि दो? दो क्यों? कौन कौन बैठे हैं? जीव और पुद्गल, वेरी गुड, जीव और पुद्गल, और दोनों मिलकर के अभी क्या कहला रहे हैं? मैं लड़का हूँ, बराबर। तो एक बुद्धि कैसे हो गई? एक मानता है करोड़ रुपया अलग है, मैं अलग हूँ, और क्या मानता है? एक मानता है मैं जयपुरिया हूँ, जयपुर मैं कभी का जन्म हुआ हो जयपुर, मैं जयपुर और जयपुर को मिलाकर अपने को मिलाकर जयपुरिया हूँ। अरे वो बच के रहना, जयपुरिया हूँ मैं, और नहीं तो राजस्थानी हूँ, राजस्थान से एक बुद्धि कर ली, मैं इंडियन हूँ। इंडियन हो कि नहीं? आप कौन कौन इंडियन है जल्दी बोलो, इंडियन कहलाते हो कि हो तो नहीं है? हूँ तो आत्मा हूँ, हूँ तो जीव हूँ, बराबर। अब इसकी बात समझ आ गई आपको? तो एक तो बुद्धि, एक बुद्धि से दुख होता है, कल समझाया था आपको, याद है? एक बुद्धि का दुख कल बताया था आपको, याद है? भारत हार जाए और आप अपने को उसे एक बुद्धि कर लो तो आपको दुखी होना पड़ेगा, होना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो ही जाओगे। कभी कभी झगड़े होते ना, झगड़े है, मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं वहां का हूँ कर्नाटक का, और जी आंध्रा का है, आंध्रा आंध्रा, एकदम झगड़ा है। तुम क्या समझते हो, हम भले ही आंध्रा के कम है तो क्या हुआ, एक बुंदेलखंडी, क्या बोलते हो? तो एक सौ दंडी एक बुंदेलखंडी, ये सब लड़ाई झगड़े की बात है। उसने अपना एक कर लिया ना, एक बुद्धि, तो उससे वो दुखी हो जाए। पर समझ में आया कि नहीं आया? एक बुद्धि का एक दृष्टांत देता हूँ, थोड़ा सरल करके फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब कभी आपने किराए से मकान दिया किसी ने? किसी घर में किराए से देता है कोई? अब अपन नीचे रहते हो, वो ऊपर रहता हो, ऐसे किराए से दिया किसी ने मकान? अब वो कपड़े धोता हो, कपड़े मोगरी से कूट कूट करके पछीट पछीट के, वो नहीं चादर धोते, धाड़ धाड़ धाड़, तो नीचे ऐसा लगता है जैसे सिर्फ से पॉइंट का भूकंप आ रहा हो। नीचे वाली महिला को ऐसा लगता है बिल्डिंग गिराओगे, क्या करोगे, नमक कूटते ना नमक, तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ नमक कूट रहा हो। जितनी देर नमक कूटता है ऊपर, उतनी देर नीचे से एकाग्र चित्त नहीं हो पाता उसका अंदर, होता है नहीं? देखा नहीं आपने? पड़ोस में से अपने कमरे की दीवार की तरफ से कोई कील ठोकता हो, ऐसी लगती है यहाँ कील ठोक रही। ये काय का दृष्टांत है, ये एकत बुद्धि का। करोड़पति आदमी का दिवाला निकल जाए, करोड़ रुपए चला जाए, तो एक झटके में मर जाता है वो। क्यों मर जाता है? ओ मर गए, लुट गए। इसका क्या मतलब निकला? ये करोड़ रुपया को और आत्मा को अर्थात अपने को एक मान रहा था, बराबर, पक्का। एकत बुद्धि समझ में आई? तो ये जीव एकत्व से दुखी है कि एकत बुद्धि से दुखी है? सरल हो गई बात। अब ममत बुद्धि की बात करो, शुरू करो ममत्व बुद्धि। जैसे एकत्व सुंदर है वैसे ही ममत्व भी सुंदर है। क्या बोला? जैसे एकत्व सुंदर है वैसे ही ममत्व, ममत्व समझते हो? ममत्व मेरा स्वामी, डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे कह रहे, ठीक है मैं शरीर नहीं हूँ लेकिन शरीर मेरा तो है, मैं फैक्ट्री नहीं हूँ लेकिन फैक्ट्री है ना, मैं मम्मी नहीं हूँ लेकिन मम्मी तुम्हारी है कि नहीं? अब है ऐसा सबको लगता है, मैं गांव नहीं हूँ तो क्या हुआ लेकिन मेरा गांव, लगता है कि नहीं लगता है आपको? मैं पेन नहीं हूँ लेकिन मेरा पेन, ध्यान से सुनना, जब मेरा पेन देखती है ना तो पेन की बुराई में भी अपनी बुराई लगती है। दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत, घर में बहुओं ने रसोई बनाई तो उसमें नमक कम था दाल में,
तो ससुर जी ने बोला ये दाल कैसी है, तो किसकी बुराई कर रहे थे वो? नहीं नहीं, दाल की कर रहे थे। दाल कैसी है, ऐसे नमक कम है। और इतनी चार महिलाओं में से किसको बुरा लग रहा है? हाँ बहू को, जिसने बनाई होगी उसको एकदम ऐसा लगता है जब देखो जब मेरी बुराई करते हैं, जब देखो जब मेरी बुराई करते हैं। किसकी बुराई करी थी? दाल की। और मानते हैं काय का दुख है जी? ममत्व बुद्धि का। काय का दुख है? किसी का कोई भी कपड़े की दुकान हो और मैं कपड़े की दुकान की बुराई करूं तो उसे ऐसा लगता है पंडित जी मेरी बुराई कर रहे। मैं तंबाकू की बुराई करूं, तंबाकू बहुत बुरी चीज है, तंबाकू खाने वाले नरक चले जाएंगे, तंबाकू से कैंसर हो जाता है। तो जो कोई तंबाकू खाता हो ना वो मेरा परिचित भी हो, थोड़ा दो काम एक साथ हो गए, वो खाता भी हो और परिचित भी हो, तो उसको इस प्रवचन को सुनते ही भयंकर तकलीफ होगी। सुमत प्रकाश जी भाई सभा में बदला ले रहे, सुमत प्रकाश जी मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, मेरे से अकेले में कह देते, लेकिन भरी सभा में कहने की क्या जरूरत थी कि तंबाकू खाने वाला नरक जाएगा। तंबाकू की बुराई भी है, किसकी बुराई लग रही है इसको? ऐसे लगा मैं क्रोध की बुराई भी करूं तो तुम्हें अपनी बुराई लगेगी, मैं आश्रम की बुराई कर रहा हूं तो आपको अपनी बुराई लगेगी। पॉइंट आ रहा कुछ? हाँ हाँ, ऐसे समझाना है। ममत बुद्धि भी तोड़ने लायक है, ये समय साहस जी का अद्भुत उपकार है। उसने एकद बुद्धि, हाँ कौन कौन सी बुद्धि तोड़वाई? एकद बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि और भोक्तव्य बुद्धि। जब मैं ममत की चर्चा करता हूँ तो ध्यान से सुनना, एक करोड़पति व्यक्ति या लखपति किसी से पूछो भैया आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, कितनी प्रॉपर्टी होगी भैया जयपुर में आपकी, किससे पूछूं? राहुल, राहुल नाम, मुझे नाम भूल जाता हूँ, राहुल ही है ना? बोलो राहुल कितनी प्रॉपर्टी तुम्हारी, अंदाज से बता दो, ज्यादा कम मत बता, कोई दिक्कत नहीं। कितनी प्रॉपर्टी आपकी, लगभग लगभग थोड़ी बहुत बता, दो चार नाम बता दो, चलो है। तो झट ऐसा लगे पंडित जी चार बंगले हैं, दो खेत है, कितनी फैक्ट्री है, चार कार है, एक किलो सोना, दृष्टांत हो। इस जीव को ध्यान से सुनना, मैं प्रॉपर्टी का अर्थ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। गोल्ड की प्रॉपर्टी गोल्ड में पाई जाती है, सिल्वर की प्रॉपर्टी सिल्वर में पाई जाती है, ऐसे आत्मा की प्रॉपर्टी अनंत गुण धर्म है, अनंत शक्तियां हैं, वो आत्मा की प्रॉपर्टी आत्मा में पाई जाती है। इसका नाम है ममत्व, मेरा पना। आत्मा अर्थात मैं और मेरे अनंत गुणों अनंत धर्मों में मेरा पना है, मेरा वैभव है, शक्ति है, धर्म है, ऐसी अक्षुण्ण प्रॉपर्टी है जिसे कोई कंबर नहीं कर सकता। इसके बावजूद इसे अपनी अक्षुण्ण प्रॉपर्टी तो याद आती नहीं, मिथ्या दृष्टि इस प्रॉपर्टी को जाना नहीं और उधर प्रॉपर्टी मानता है। परिणाम क्या निकलता है? परिणाम क्या निकलता है कि मरते समय समाधि नहीं हो पाती, ऐसे मरता है, हाय मकान नहीं भोग पाए, पैसा नहीं भोग पाए, वो नई कार लाए थे ओडी वो रह गई उसमें घूम नहीं पाए। कई लोग मरते मरते ऐसे बोलते हैं, पंडित जी वो एक सिंगापुर और रह गया मेरा, बाकी कनाडा तो घूम आया, एक जर्मनी रह गया, थोड़ा सा एक आंस और जाना था, मैं चिंता नहीं करो मरते से सीधे पहुंचोगे। अब पुण्य किया हुआ तो अच्छे से पहुंच जाओगे, पाप किया हुआ तो कुत्ता बिल्ली बन के भोग जाओगे, पहुंचोगे लेकिन बहुत महंगा सौदा है। हाँ भाई, ममत माने प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी माने आत्मा के अनंत गुण धर्म आत्मा में है। बाहर की, बाहर कितनी प्रॉपर्टी तुम्हारी, ये शर्ट तुम्हारी है, पेन, मकान दुकान कुछ तो है, कुछ भी नहीं है, कमाल की बात। ए और तो छोड़ो, ये शरीर भी हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, है? तुम्हारी प्रॉपर्टी खनिया थाना में थोड़ी सी, कितनी? अरे वही पापा की दुकान नहीं? भूला हूँ क्या है वो? मैं दूसरा 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 भूल से हीन मैंने थमाना, आज देखा स्वयं का निधाना, अह वैभव अगुलौ की पाया,
द्रव्य पन ज्यों का त्यों ही लखाया, द्रव्य पन ज्यों का त्यों ज्यों का त्यों ही लखाया। अब जरूरत सभी की विसारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी, आज अद्भुत छवि किसकी किसकी? अनंत भगवान का दर्शन किया है तुमने कभी? अनंत भगवान का दर्शन किया है? क्या नाम तुम्हारा? क्या है क्या नाम? आर्जव बोलो। अनंत भगवान का दर्शन किया है? अनंत भगवान का दर्शन माने अपना दर्शन, यही वैभव अपना है, यही प्रॉपर्टी अपनी है, ये जैसे इनके पास अनंत काल अनंत चतुष्टय रहने वाला, ये है सही, ये है सम्यक दर्शन। मजा कर आगे से चलू, आगे चलू तो डूब जाता हूँ इसमें, तो बड़ा मजा आता है। फिर से जीव और अजीव की मैं प्रॉपर्टी समझ आई, ममत्व तो मेरा ममत्व समझ में आ जाए तो परम ममत्व छूट जाए। ये जीव सुखी होने के नाम पर प्रॉपर्टी तो से चाहिए, अपनी पहचान ले तो पार पर की जरूरत महसूस नहीं होगी। तथा तो पर की प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं? इस पर मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं। लेकिन लोग में ये दुनिया यही कहेगी, जो अपनी प्रॉपर्टी पहचानते हैं उन्हें पुण्य के उदय जब तक होता है, संसार में रहते हैं तब तक उन्हें कमाने की टेंशन नहीं होती, इसलिए राजा महाराजा बन जाते हैं, चक्रवर्ती बन जाते हैं, बहुत बड़े संपन्न हो जाते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि बाहर में कुछ करना ना पड़े, निराकुल रहना पड़े, निराकुल रहे बाहर तो अपने काम साधते हैं। पुण्य का वैभव को अपनी प्रॉपर्टी मानते नहीं है। बराबर समझ आ गई थी बात? बराबर। अब कर्ता तो ले लो थोड़ा सा, कर्ता तो फिर ये शरीर मेरी प्रॉपर्टी नहीं, अजी मेरी प्रॉपर्टी नहीं, बराबर। तो फिर अजी से मुझे सुख नहीं, ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं। चलो थोड़ा सा कहते हैं, थोड़ा सा वैसे तो पढ़ चुके आप, सरल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिपीट करेंगे। थोड़ा सा मैंने कल कहा था आपको, इसमें अलिंगकरण के एक बोल घटेंगे, अलिंगकरण के बोल कौन कौन से घटेंगे अपन थोड़े से घटाते हैं। आहा, आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता और आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं आता। दो बोल, पहले दो बोल 172 नंबर की गाथा कौन से ग्रंथ से किया? प्रवचन साहब जी की। कौन सी गाथा है? 172। आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता और आत्मा इंद्रियों से जानने में पक्का। तो फिर इंद्रियों से धर्म तो कर सकते हैं ना अपन, अच्छा मजबूत शरीर हो, बढ़िया तपस्या कर सकते हैं, बढ़िया व्रत उपास कर सकते हैं, खूब दौड़ दौड़ के तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। बोलो, अरे बोलो, अच्छा शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए धर्म करने के लिए? शास्त्र पढ़ेंगे तभी तो धर्म होगा। बोलो, शास्त्र पढ़ेंगे तभी तो धर्म होगा। तो आंख अच्छी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो है? हाँ कैसे? निश्चय से व्यवहार से। हाँ वहां गजब हो गया, समझो। ए आत्मा का धर्म, आत्मा का संबर निजरा कभी भी अजीब से होता नहीं है। अजीब से नहीं होता मतलब इतना दुर्बल शरीर हो, बिल्कुल दुर्बल शरीर तो अभी मोक्ष जाए, शरीर को जला दिया हो रुई में लपेट करके और फिर भी मोक्ष हो जाए, बाणों से बेच दिया हो शरीर घायल हो गया हो ऐसे और तो भी केवल ज्ञान लेके मोक्ष चला जाए। क्यों? उत्तर क्यों? क्यों? क्योंकि अजीब से जीव का धर्म होता नहीं और जीव से अजीब का काम होता, जीव से अजीब का काम होता। इसमें एक बहुत मजेदार बात है, सुनना ध्यान से। जितने मिथ्या दृष्टि जीव दुखी हो इस बात से दुखी है, क्या बताएं पंडित जी, मैं बहुत सोचता था इस शरीर को बढ़िया मेंटेन करूंगा, मेरे बाल को पीला क्या सफेद नहीं होने दूंगा और दांत नहीं गिरे ऐसी कोई 100 साल तक मेंटेन करके रखूंगा और फेफड़े मजबूत रहे, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, रोज तेल की मालिश करता हूँ। पंडित जी क्या बताऊँ, आप बताइए क्या खाऊं जिससे मेरा शरीर मेंटेन रहे और बाल हमेशा काले रहे। सुनो सुनो सुनो, जीव अजीव का कर्ता
नहीं है। क्या बोल दिया? जीव अजीव का कर्ता और अजीव जीव का कर्ता नहीं। अपन एक जोरदार मंदिर बनाए तो धर्म होगा कि नहीं होगा? अरे 100 मंदिर बनाए तो अपना सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं होगा। क्या कहना है आपका? क्यों क्यों नहीं होगा? एक एक करोड़ का 100 मंदिर बनाए भाई साहब, 100 करोड़ रुपए के, और एक एक करोड़ की प्रतिमा विराजमान करवाई, बोलो बोलो। देखो अज्ञानी इसी ने समय निकाल देता है और बड़ा खुश होता है, मैंने इतना पैसा दान किया, इतने मंदिर बनाए, इतना किया, इतना किया। सुन, जीव जी का संबंधी भूल हो गई। मैं शरीर का कुछ नहीं कर सकता और शरीर से मेरा धर्म नहीं होता, दो ही साइड से लगाना। कर्तव्य बुद्धि मिल गई। क्या कह रहे हैं? कर्तव्य बुद्धि, तो फिर धर्म करने के लिए आंख नहीं चाहिए, पांव तो चाहिए। जब तो मंदिर जाओगे, बोलो, आंख होगी तभी तो भगवान के दर्शन करोगे, तो धर्म कैसे करोगे? बोलो, फंस गए। बोलो भाई। हाँ बोलो। हैं? जीव को इंद्रियों की जरूरत नहीं है धर्म करने के लिए, अभी तो है ना, अभी तो जरूरत है ना। यही कोई अद्भुत बात है। सारी दुनिया मानती है धर्म करने के लिए शरीर की जरूरत है, और आचार्य देव कहते हैं, सात तत्वी चर्चा में कहते हैं, जीव को अभी भी कभी भी कभी भी कभी भी इंद्रियों की जरूरत नहीं, इंद्रियों की पराधीनता नहीं है, तो धर्म हो जाएगा? हो जाएगा? कैसे होगा? सुनो, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। क्यों? क्योंकि आत्मा, सुनो, आत्मा सदाकाल शरीर से स्वतंत्र ही है। जी अजीब जानने का मकसद बता रहे हैं आपको, क्या तो इससे फायदा क्या होगा? क्यों? तुम्हारे बाल चले गए तो मैं क्या करूँ? बाल चले गए तो मैं तो ज्ञायक हूँ। ए, तुम बूढ़े हो गए तो अपन क्या करेंगे? क्यों अपन क्या करेंगे? बूढ़े हो गए तो अपन तो ज्ञायक है। जब अपने को मालूम है इसका करता मैं नहीं हूँ, तो आनंद होगा कि दुख होगा? बोलो। ए, भारत हार गया, दृष्टांत मुझे पता नहीं, भारत हार गया तो तुम क्या कहो? उत्तर कि देने जरा उत्तर, तो हम क्या करें? हम ज्यादा 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 हम क्या हो सकते हैं क्रिकेट के? हाँ ज्यादा दृष्टा। अब हार गए तो हम क्या करें? ए, पता है तुम्हें, जीत गए। क्यों? कौन कौन के पुण्य को दर्श जीतते हैं? संयम, जैसे भारत जीत जाता तो कौन के पुण्य को दर्श जीतते हैं? बोलो, अपन सबके पुण्य के उदय से। ठीक, सोचो, जैसे हमारे उदय उसमें है ही नहीं, ऐसे इतना बड़ा ये अजीब शरीर और स्त्री पुत्र मकान दुकान, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ और ये मेरे कर्ता नहीं, बस सुखी दुखी होंगे कैसे? कोई समझ में आ रही? बस सुनो बेटे, मिथ्या दृष्टि जीव कैसे दुखी होता है? अब पंडित जी, तुम तो शादी नहीं करी, तुम्हारी तो बच्चे नहीं है, तुम्हारी तो फैक्ट्री नहीं है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए तुम तो मजे में हो। अब हम जैसे होते तो पता लगती है आपको, जिम्मेदारी होती है, पत्नी है, बच्चे हैं, कमाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, फिर उनकी शादी करना है, फिर मकान बनाना है। अब हम जानते जिंदगी छोटी और काम बहुत सारे, और अभी भी ऐसे ही लग रहा है मरते दम तक काम पूरे नहीं हो पाएंगे। ये कौन सी टेंशन है? मिथ्या दृष्टि की। सम्यक दृष्टि की क्या गजब है? सम्यक दृष्टि का 1% भी काम बाहर दिखाई नहीं देता, इसलिए सदा समाधि में रहता है। क्या बोल रहे हो जल्दी से? सदा समाधि में रहता है। हमें कुछ काम ही नहीं है, हो जाएगा सब, होगा। पढ़ो जरा लाइन, होता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता, दूर हटो पर कृत परिणाम, ज्ञायक भाव रहूं अविराम। ज्ञायक ही रहूं बस। तीन बात समझ में आ गई, एकत्व, महत बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि। कर्तव्य बुद्धि समझ में? जब, फिर से बोल रहा हूँ, जब जब तुम दुखी हो ना शरीर को देख के,
या परिवार को देखिए, मेरे सिर पर टेंशन है, मेरे पास बहुत काम है, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि। आपको मालूम नहीं है दो द्रव के बीच में कर्ता कर्म का संबंध संबंध नहीं है। आए समझ में? दूध में नमक डाल दे तो दूध को कौन फाड़ता है? दूध में नींबू डाल दे तो दूध को कौन फाड़ देता है? बढ़िया प्रश्न है, बोलो। नहीं समझ में? दूध में नींबू डाल दे, निचोड़ दो तो दूध को कौन फाड़ता है? बाई कि नींबू? बोलो जल्दी। हैं? क्या मैं सुनाई नहीं पड़ा क्या? कह हाँ, वेरी गुड, योग्यता बिल्कुल सही। एक और 10 का नोट हो गया इसका, बढ़िया। 20 का नोट हो गया इसका, योग्यता बोला था इसने, वेरी गुड, मजा आ गया। ऐसे उत्तर आने जी, बढ़िया। देखो कोई भी ये कह देगा मम्मी ने दूध में नींबू डाल दिया, तो मम्मी ने फाड़ा कि नींबू ने फाड़ा? हाँ, स्वयं की योग्यता से फटा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आई बात? ऐसे काम बिगड़ जाते तो कौन ने बिगाड़ा? शरीर में दर्द दर्द हो गया तो कौन ने किया? कौन ने किया बताओ? ये उसकी योग्यता से हुआ। मैं तो मात्र न तुम ऐसे बोलते ना झगड़ा बढ़ता, तुम्हारी वजह से सारा झगड़ा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो पंडित जी। हाँ चलो, एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल पॉइंट। पंडित जी, जब से ये मोबाइल आए हैं तब से दुनिया बिगड़ गई। दुनिया कौन ने बिगाड़ दिया? अरे बोलो जोर से। इन दो बच्चों ने बढ़िया जवाब दिया। कौन ने बिगाड़ा? मोबाइल, मोबाइल ने बिगाड़ा ना। बाकी लोगों को टेलीविजन बिगाड़ देता है क्यों? अरे बोलो ना, क्या कमाल है। तो पंडित जी आप क्या कहना चाहे थे? टेलीविजन से बिगड़ नहीं रही दुनिया, सुनो। वो बिगड़ने की योग्यता वाले बिगड़ रहे हैं। टेलीविजन नहीं बिगाड़ रहा और मोबाइल नहीं बिगाड़ रहा। पंडित जी अच्छा बता दिया, अब हम भी मोबाइल रखेंगे और खूब देखेंगे। ये बिल्कुल देखोगे बेटा, जिनकी योग्यता खराब है वे ही देखेंगे। जिनकी योग्यता खराब है वे ही देखते फिरेंगे, जिनकी योग्यता बढ़िया है काजी ही माथा मारेंगे उसे। लेकिन फिर सुनो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भला बुरा करता है? नहीं करता। तो आप लोग कोई से परेशान नहीं हो? अरे बोलो तो। यदि परेशान मानो तो आपको जीव अजीव तत्व का सच्चा सद्धान नहीं हुआ, ये कह रहे हैं। अब तो समझ में आया? चलो अब थोड़ा सा भोक्ता का ही बोल ले लो। भोक्ता, लड्डू खाया कि नहीं खाया कभी? खाए लड्डू? खाया? कौन कौन ने खाया आज तक लड्डू? तुमने खाया? एक ने खाया, दो ने खाया, ठीक है, तीन, तीन ने लड्डू खाया, चार ने खाया, पांच आज ही बने थे। अरे वाह, तो सब नहीं खाया आज? नहीं, लड्डू कौन कौन ने खाया आज? अरे खाया कि नहीं खाया कुछ तो बोलो, हाँ या नहीं? ओहो, अभोक्ता है। आत्मा अपनी ही योग्यता का भोगता है, अपने ही ज्ञान का भोगता है, अपने ही आनंद का भोगता है, पर का भोगता नहीं है। जीव अजीव को भोग सकता है कि नहीं भोग सकता? और अजीव जीव को भोग सकता है कि नहीं? एक बार बताऊ, मेरे प्रश्न है, सभी लोग बच्चे ध्यान करना। जीव और शरीर मिलकर मोक्ष मार्ग का उपाय करते हैं, तपस्या वगैरह करते हैं, उपवास करते हैं, पढ़ते हैं, तो मोक्ष होने पर दोनों का मोक्ष होगा, शरीर को भी सुख मिलेगा और आत्मा को भी मिलेगा। आज तो फिर से बोलो, मोक्ष मार्ग में दोनों ने मिलकर उपाय किया कि नहीं किया? नग्न दिगंबर दीक्षा ली तो शरीर ने भी मेहनत की कि नहीं की? और आत्मा ने भी की। और फिर तपस्या करी तो शरीर और आत्मा दोनों ने की। तो फिर मोक्ष दोनों को होना चाहिए ना, दोनों ने मिलकर तपस्या करी था। हाँ जी, भोगता नहीं होता, बहुत बढ़िया, अच्छा दिमाग चलाते हैं बच्चे, बहुत सुंदर है। समझ में आ रहा कि नहीं? ओहो, इसका मतलब शरीर ने मोक्ष मार्ग के नाम पे कभी कुछ किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। इसीलिए जीव 100% मोक्ष का अधिकारी होता है, सुख का अधिकारी होता है, ज्ञान का अधिकारी होता है, लेकिन शरीर अधिकारी नहीं होता।
अब मुझे पता है जो नए बच्चे आए होंगे ना, नए नए बच्चे 11 12th वाले, वे तो एकदम घबरा रहे होंगे, क्या कह रहे हैं, कुछ किया ही नहीं तो कुछ करना ही नहीं, हम तो पहले ही सुनकर आए अपने गांव में कि जी सोनगढ़ी लोग, जयपुर के लोग व्रत उपवास करना ही नहीं चाहते कि नहीं नहीं, जब जब मोक्ष मार्ग होता है, जीव का कल्याण होता है, जीव का निर्णय होता है, जीव अपनी योग्यता का ही कर्ता भोक्ता होता है, उस समय शरीर में वे सब काम होते हैं और व्यवहार से उनका कर्ता कर्ता कहते भी है। क्या बोला हमने, कर्ता कहते भी हैं, लेकिन न्याय यदि दोनों मिलकर करें तो दोनों का मोक्ष होना चाहिए, दोनों मिलकर करें तो दोनों को सुख दुख होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो आलू शरीर खाता है, कौन खाता है, आत्मा खाता है, शरीर खाता है, शरीर, और रात को रोटी कौन खाता है, शरीर ही खाता है, आत्मा तो खाता नहीं, अरे बोलो, हाँ शरीर ही खाता है, और नरक कौन जाता है, ये तो गड़बड़ हो गई ये तो गड़बड़ हो गई, जब शरीर का परिणाम होता तो आत्मा नरक क्यों जाएगी, आत्मा तो खाता नहीं ना, इतना यही तो कमाल की बात है, जिस समय शरीर में भोजन जाता है उस समय आत्मा अपनी योग्यता का भोगता है, विकार का भोगता है, खाने की गिरफ्तार का, राग करने का, विकल्प करने का भोगता है, उसका कर्ता भोगता होने से ये जीव नरक में जाता है, खाता नहीं है, नहीं खाते के भाव का कर्ता भोगता होने से, क्या कह रहे, खाने के भाव का कर्ता भोगता होने से नरक चला जाता है जी। आई बात समझ आई, तो हम क्या करें फिर, अब बोलो हम क्या करें, कि बहुत सुंदर काम है, जीव अजीव तत्व की पहचान करके, जब आत्मा खाता ही नहीं तो नरक में क्यों जाऊं, तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि तुम्हारे परिणाम इतने निर्मल हों कि मैं इस देह को, जब मैं नहीं खाता, ये देह को भोजन मिलता है, पानी मिलता है, तो फिर मैं इसे रात को नहीं दूंगा, क्यों दूं, इसके चक्कर में मैं सजा क्यों भोगूं, इसके चक्कर में मैं दुख क्यों भोगूं, आए समझ में, तो ये भेद विज्ञान करेगा, ये जीव जीव तत्व संबंधी भेद विज्ञान होने पर संयम आ गया, आचरण आ गया, रात्रि भोजन नहीं करेगा ये जीव, ए उल्टा नहीं पकड़ना, मैं नहीं खाता हूँ तो चाय जब खाओ, मैं नहीं खाता हूँ तो इसके चक्कर में, शरीर के चक्कर में मैं नरक नहीं, वो क्यों जाऊं, बराबर समझ में आ गई बात, सरल सी बात, फिर से बोलो, जीव और अजीव कितने तत्व हो गए, दो, कौन कौन से, जीव और अजीव, कोई बताएगा बच्चों में से, चाहो तो दो दो चार चार बच्चे भी उठ के बोल सकते हो, क्या क्या समझ में आया इसमें, अभी तक कल और आज की पढ़ाई में, मूल बात ये है, जीव अजीव तत्व का सार ये है कि स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, और स्वपर भेद विज्ञान करने में क्या भेद विज्ञान करना है, कि मैं शरीर का और शरीर मेरा, क्या क्या नहीं है, एकत्व नहीं है, ममत्व नहीं है, कर्तत्व नहीं है, प्रश्न पूछो, 1 करोड़ साल तक तपस्या करी तो उसका कल्याण होगा या नहीं होगा, 1 करोड़ बरस तक नंग दिगंबर ऐसे शरीर का बहुत परिणमन हुआ, ठंड गर्मी बरसात और शरीर ऐसा सूख गया और ऐसे ही बैठे रहे तो उसका कल्याण होगा कि नहीं, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, शरीर के परिणमन से करोड़ कितने ही हो जाए, अपन को क्या लगता है राहुल पते, वाह मैंने इतना किया था, इतना तो हो गई, मालूम है 10 दिन के उपवास किए इस बार कोरे पानी के ऊपर, जो कोई 10 दिन का उपवास करता है ऐसे हो जाता है थोड़ा सा, उसको ऐसा लगता है मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया हुआ, इतना नहीं हुआ होगा कर्म थोड़ा सा, होता कि नहीं होता, लेकिन जीव अजीव तत्व को जानने वाला व्यक्ति कहेगा स्वान तुम चाहे जितने यम नियम संयम जब तब करो, करोड़ों 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 बार दीक्षा ले लो तो भी अजीव के परिणमन से, शरीर के परिणमन से, आगे बोलो किंचित मात्र भी पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख, छेड़ना याद हो गई पूरी, वेरी गुड, तुमको छेड़ना की नहीं की, थोड़ी थोड़ी तेरे को पूरी याद है, वेरी गुड,
बोलो ये लाइन बोले जा रहा, पहले जातम ज्ञान, इसके ऊपर की लाइन कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन ज्ञानी के चिन्ह माय। ये तो ज्ञानी की आगे मुनि व्रत धारे अनंत, बराबर समझ में आया। ए एक करोड़ ग्रंथ पढ़ लिए कितना ज्ञान बढ़ेगा, एक करोड़ ग्रंथ पढ़े, एक करोड़ थोड़े बहुत भी नहीं, 18 घंटा रोज, 8 घंटा सोने के नहीं, कितने बचे 6 घंटे, 16 घंटा दे दो, चलो 16 घंटा रोज पढ़े और 8 घंटा सो जाए और पढ़े, बोलो भैया कितना ज्ञान हुआ। किसान सुनना ध्यान से, बहुत मर्म की बात कह रहा हूँ, भाषा तो सादी है, ध्यान से सुनना। ओहो मैं जीव तत्व हूँ, मेरा ज्ञान दर्शन सुख मेरे में ही है, मेरे से ही है, मेरे से ही मेरे में सटकारक है, ऐसा जानने का नाम ज्ञान। फिर से बोलू, मेरे सटकारक से मेरा ज्ञान मेरे में मेरे से ही है, ऐसा जब समझ में आ जाए उस दिन तुम्हें तत्व ज्ञान हुआ, उस दिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान हुआ, उस दिन जीव तत्व का ज्ञान हुआ। और बाकी तुम्हें जितनी चतुराई याद हो जाए, गुणस्थान मरण स्थान जीवे स्थान लब्धि स्थान क्या क्या है, सब मरण स्थान सब ठीक है, तुम्हें जीव के बारे में ज्ञान है लेकिन जीव का ज्ञान नहीं। जल्दी से बोल गए कुछ, क्या बोला हमने, कुछ सुनाई पड़ा, जीव के बारे में ज्ञान होना अलग बात है और जीव का ज्ञान होना क्या फर्क है भैया, इसमें कोई बताएगा, जीव के बारे में और जीव का ज्ञान क्या फर्क है इसमें, बोलो बेटे बोलो 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 ट्राई करो, हाँ बोलो, मैंने जीव के गुण स्थान मान स्थान एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री ये सब ज्ञान है और जीव का ज्ञान नहीं, मतलब कैसा, हाँ वेरी गुड बहुत अच्छा, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास तुम्हें बोलने के लिए, मैं आनंदमय परिपूर्ण हूँ, ज्ञान दर्शन चारे सुख वीर से परिपूर्ण तत्व हूँ, अर्थात मुझे ज्ञान दर्शन के लिए किसी की इंद्रियों की भी जरूरत नहीं है और बाहर की भी जरूरत, इतनी परिपूर्ण वैभव के ज्ञान का नाम है मैं जीव हूँ, इसका नाम है मेरा ज्ञान। फिर से बोलूं, अपना परिपूर्ण वैभव का ज्ञान, मुझे इंद्री की भी जरूरत नहीं, ग्रंथों की भी जरूरत नहीं, पंच परमेश्वर स्वर्ग में कहो तो निमित्तों की भी याद नहीं आए, ओहो इतना परिपूर्ण तत्व में हूँ, ऐसा जानने का नाम है कि मैं जीव हूँ, मेरे जीव का ज्ञान हुआ है, जीव का ज्ञान इतना अच्छा है, समझ में आया कुछ, बहुत सरल है कठिन नहीं है। चलो एक दृष्टांत दे रहे, चिंतामणि समझते हो, चिंतामणि चिंतामणि समझते हो, क्या नाम तुम्हारा, साध्य, वेरी गुड, नींद नहीं आ रही है आपको, ले लू तुम्हारे पास चिंतामणि रत्न, चिंतामणि समझते हैं ना तुम, जो डिमांड करो वो मिल जाए, बराबर, तो तुम्हारे पास चिंतामणि अकेली है तो और क्या क्या चाहिए तुम्हें, कुछ नहीं चाहिए, सोच लो बोलो, चिंतामणि है तो कुछ नहीं चाहिए, अरे बोलो, एक घर चाहिए पड़ेगा, बिस्तर चाहिए पड़ेंगे, समझेंगे, ओहो चिंतामणि मिल गई माने, चिंतामणि मिली मतलब तीन लोक का वैभव मिल गया, ऐसे ही जिसने भगवान आत्मा को जाना उसने सर्वस्व पा लिया, पक्का नाश्ता तो ले जाना पड़ेगा समीर शिखर जी, बोलो पूरियां रखे, पूरियां ले जाओ, नहीं ले जाओ पूरियां, नहीं ले जाओ क्यों, बोलो साथ पूरी नहीं ले जाओ, पूरी सब्जी केले की कपड़े तो ले जाने पड़ेगा, कपड़े मैं इसको थोड़ा दृष्टांत को ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा, अपन समीर शिखर जी जा रहे थे रास्ते में, सब लुट गए, अपन चिंतामणि ले गई, वो चिंतामणि ले गई, बाकी वो सूट केस ले गए, और सूट केस में हम लक्स की नई चड्डी ले गए, दो बनियान भी ले गए थे लक्स की
नई वाली, दोनों नई थी, हमने बहुत भावना से खरीदी थी, और इसलिए ले गए थे कि नए धोई दुपट्टे और नए अंडरवियर बनियान पहन करके भगवान पारसनाथ का प्रक्षाल करेंगे, इसलिए ले गई थी और चली गई। तो अब क्या करें, बोलो। रिपोर्ट लिखाने जाना पड़ेगी, रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे। आपके समझ में आ रहा है कुछ? जिसको चिंतामणि का भान है, सच बहुत मजा आ रहा है इस समय। हाँ, पंडित साहब ने रचना लिखी बहुत अच्छी, पुरानी एक आनंद गंज की रचना से मिलती जुलती है, समझ लो। पुराने लोगों को वो रचना याद आ जाएगी आनंद गंज की, लेकिन पंडित साहब की रचना लिखी, मैं वो गा रहा हूँ। अपना वैभव दिखे पूरा और लगे सब धूरा, और लगे सब ए इंद्र का वैभव, बोलो तो जोर से, आवाज नहीं आ रही, अभी आवाज नहीं आई, बुरा बुरा बुरा। अपना वैभव दिखे पूरा और लगे सब ए चक्रवर्ती का पद, जोर से बोलो, कलेक्टर, कलेक्टर नहीं बनना, नहीं नहीं आई है ऐसा दूसरा जैसे लगे, अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसी अद्भुत बात है। सात तत्व में जीव अजीव का बहुत ज्यादा चर्चा है, ये तो मुझे मजबूरी जल्दी पूरी करता हूँ, मेरे हिसाब से तो पूरी जिंदगी इसकी घुटाई होनी चाहिए। आया समझ में आया, जीव और अजीव, अजीव माने जहाँ हमारा नथिंग, और जीव माने हमारा जहाँ पर सब कुछ, सब कुछ। और अब इधर देखते नहीं, सब ऐसा लगता है, आप में से कुछ बच्चे, कुछ होंगे, सब तो नहीं कहता, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, यार अपन कहाँ फंस गए जयपुर में, अपन जैन कुल में नहीं पढ़ रहे होते, जैन कुल में नहीं जन्मे होते तो अपन भी चाट पकौड़ी खाते यार, अब इस जन्म में तो आलू प्याज भगवान मुश्किल। जिन्होंने आलू प्याज नहीं खाए उनका जन्म अकारक चला गया। आलू प्याज का तो नाम ले रहा हूँ, जिसको जैसा जैसा लगाना वैसे लगा लेना, काश अपन भी वैसे कपड़े पहन लेते। कई लोगों को ऐसा लगता है मैं फिल्मी हीरो बन जाता इस जन्म में तो बन नहीं पाऊंगा, नहीं नहीं, कौन कौन सी कल्पना, अपना वैभव भूल करके जाने कितनी कल्पना की इस जीव में। चलो अब से चलूं आगे, तो कितने तत्व हो गए फिर, दो जीव और मेरी उंगलियां, देखो उंगलियां, जिसने मेरा ज्ञान दर्शन सुख है वो जीव, याद हो गई परिभाषा, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख नहीं है वो सब अजीव, दो परिभाषा याद हो गई। अब अपना ज्ञान दर्शन सुख ना देखकर पूरी आशा यहाँ लगी, एक्सपेक्टेशन, पैसा से सुख होगा, पत्नी से सुख होगा, मकान दुकान से सुख होगा, गोल्ड से सुख होगा, ख्याति लाभ से सुख होगा, इसका नाम आश्रय बंध, सुख की आशा आश्रय बंध, क्या बोला क्या बोला, सुख है जी में, यहाँ सुख ज्ञान दर्शन नहीं है, फिर भी इससे आशा है सुख की, विकल्प है, इच्छा है, वांछा है इसकी, उस वांछा का नाम आश्रय बन, और फिर अपना सुख अपने में दिखाई दे गया इसका नाम संबंध इंद्रा, और फिर अपने में मग्न होकर आनंद काल सुखी हो गए इसका नाम मोक्ष, याद हो गए। अब ये सात तत्व अपन ने पांच उंगलियों पर रख ली, जब भी आप दुखी हो गए तो लिख लो ये बात, आप परद्रव्य से सुख की आशा कर रहे हो गए। अनंत भगवान तो सुखी है ना, चेत भगवान तो सुखी है ना, तो उनकी ओर देखना, उनका लक्ष्य करना, उनकी भक्ति करना, उनमें उनको ही निहारते रहना, इसका नाम कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व है, आश्रय बन, क्यों आश्रय बन, क्यों, वे तो अनंत सुखी है, वे तो सच्चे हैं, वे तो 100% सुखी हैं, तो ऐसे सुखी जीवों की आराधना करने में क्या दिक्कत है, दिक्कत बोलो, क्यों, क्योंकि वे भी मेरे लिए अजीब है, वेरी गुड, क्या है, उनसे मेरे को सुख मिलने वाला, पंडित साहब के लिए बहुत अच्छे समझाते,
कि सभी लोग डफर सिस्टम में भोजन कर रहे हैं। बफर कहलाता है योगी लोग, तो सबके हाथ में रसगुल्ले हैं, सबकी प्लेट में रसगुल्ले हैं। अब ध्यान से सुनना, अब मान के चलो मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ और मजा आ रहा है मुझे यहाँ से बहुत, तो तुम मुझे देखोगे या अपना रसगुल्ला खाओगे, क्या करोगे? समझदारी कायम है बोलो। लेकिन मिथ्या दर्शी पता क्या करता है, अपना रसगुल्ला तो देखता नहीं प्लेट में रखा हुआ, और जो खाकर आनंद ले रहा उसे देखा, मजा है बहुत टेस्टी है, लग रहा है रसगुल्ले में बड़ा मजा आ रहा है आपको, आपके चेहरे से तो लग रहा है। क्यों, भोजन करते समय ऐसे करता है कोई? करे तो कैसा लगेगा लोग में? और ऐसे यहाँ समझ लो, भगवान अनंत स्वरूप में मग्न है, अपने ज्ञान स्वरूप में मग्न है, अपने परिपूर्ण वैभव में मग्न है। आप भी तो परिपूर्ण वैभवशाली हो, अब तुम अपने वैभव की ओर नहीं देखते हो, ऐसे देख रहे रोज के रोज, भगवान आपको तो अनंत चतुष्ट है, आपको तो ज्ञान दर्शन चार सुख, आपको तो सब है, आप हमारी का कहीं बोलो, भगवान के दर्शन करना है कैसे करना है बोलो? कि प्रभु आप अपने आत्मा के आनंद का भोग करते हुए दिखाई देते हो तो फिर मुझे आपकी ओर देखने की इच्छा नहीं होती, मैं भी अपने आनंद का भोग करूंगा, मैं भी अपने मग्न हो जाऊंगा, बस अंतर्मुख हो गए। जैन दर्शन गजब है, जैन दर्शन में ऐसी ऐसी पूजा का नाम हल्की पूजा है, हल्की समझ गए, उत्तम पूजा नहीं है, और ऐसे बैठना ये उत्तम पूजा है। जल्दी कह गए हम, क्या कहा? हाँ वेरी गुड, बच्चे तो जल्दी पकड़ रहे, पीछे वालों को पता नहीं कितने पीछे हैं, लेकिन आगे वाले बच्चे तो बहुत बढ़िया लग रहे, मजा आ रहा है, मेरे तो पैसे ही वसूल हो जाते हैं तीन बच्चों को देख करके, बहुत बढ़िया। समझ में आई बेटे, क्या बोला? बोल बेटे। हाँ तेरे से कह रही, तेरे से नहीं समझ में आया, कौन को समझ में आया भैया? हाँ बोल बेटे, चल बहुत बढ़िया, ऐसी बात मुझे सुनने में भी मजा आएगी। हाँ हाँ हल्की जगन्य पूजा है। हाँ अच्छा, भगवान में और अपने में क्या अंतर है? बस इतनी सी बात है, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रज, और अपन अल्प गे ज्ञायक तदपि, मजे तो लेके देखो थोड़ा, भगवान के सामने जाओ एक बार आनंद लेके देखो। एक जीव अजीब तक पढ़ाया हूँ, अब कल मैं आपको इसमें चार्ट दिखाऊंगा, मैंने नोट तैयार किए सात तत्व के, जिनको इच्छा होगी उन्हें दे भी देंगे हम, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मोबाइल में ले लो, फालतू कागज खराब ना हो, लेकिन मैं पढ़ते पे कल दिखाऊंगा आपको सात तत्व में जीव और अजीव दोनों का खड़े होकर के विश्लेषण करूंगा, पूरा चार्ट आपको इसमें दिखाऊंगा, आज तो टाइम हो गया इसलिए आज नहीं दिखा रहे, ठीक है? तो जीव अजीव इतनी चर्चा की अपन ने, एक बात कहकर के मुझे पूरा करना है। अच्छे बैठो जरा, ऐसे बैठो, वेरी गुड, नींद तो नहीं आ रही? हाँ नहीं बोलो, नहीं आ रही तो ठीक है, बस थोड़ा दो मिनट ले रहा हूँ मुझे ना। देखो शब्द तो मैं बहुत ही कम बोलूंगा, लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो जिंदगी भर के लिए बोल रहा हूँ। आप बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं, पंडित जी हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा, हम तो बहुत जानते हैं, आपने कोई नई चीज थोड़ी पढ़ाई पंडित जी आज, ये तो हम सब जानते हैं, सबके दिमाग में बात घुसी होगी ना, इसलिए आज का पाठ पढ़ ही नहीं पाए आप। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आचार्य देव ने कहा है भेद विज्ञान करो, दारुण दारुण निर्दयी होकर के तीक्ष्ण प्रज्ञा छेनी, ये तीक्ष्ण प्रज्ञा छेनी क्या है, ये क्या कह रहे हैं? दारुण दारुण ये लगातार करो, निरंतर करो, तब तक करो जब तक कि ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए, ये समय साजी में लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? तो अभी जितना हमने आपको पढ़ाया वो इन्फॉर्मेटिव है, तो वस्तु क्या है? वस्तु अब इसमें थोड़ी मेहनत लग रही है आपको भेद विज्ञान करने, जब ये शरीर में नहीं हो और शरीर में एकत्व नहीं करना, इसका क्या मतलब कि शरीर जैसा भी है वो भिन्न दिखाई दे रहा है, तो अब मुझे बड़ी सहजता से स्वीकार है कि काला है तो है, मैं थोड़ी काला हूँ,
गोरा है तो है, मैं थोड़ी गोरा हूँ, इसने पूजा पाठ व्रत उपवास किया इसे मैंने थोड़ी की है, मैं तो इनका मात्र ज्ञाता हूँ। कोई यदि मेरे से कहते आप ठीक से पूजा नहीं करते तो मैं ज्ञायक हो चुकी इसे झट कहूंगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये पूजा सही नहीं है। मैंने क्या मतलब निकला, समस्त अजीब में एकज बुद्धि छूट गई। मैंने कोई अजीब की बुराई करता है तो मुझे तकलीफ होती नहीं, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा, क्यों जी मर जाएंगे तो मर जाएंगे, 700 साल जिंदा रहे कहा जाएंगे, हे मर जाओगे मर जाएंगे, शरीर तो बीमार हो रहा हो जाएंगे, हम बीमार थोड़ी हैं, वेद विज्ञान समझ में आया आपको, जीव और अजीव के बीच में 4 प्रकार का वेद विज्ञान, कौन सा 4 कौन सा, एकज बुद्धि, ममज बुद्धि, कर्तज बुद्धि, भोक्तज बुद्धि, 4 टूट गए। मैं इसका भोक्ता, बच्चे चिढ़ाते नहीं एक दूसरे चिढ़ाते हैं, मुझे चिढ़ा के बता, कोई मेरा अपमान करके बता, कर सकते हो मेरा अपमान कर सकते हो, सब जने मिलके मेरा अपमान करो, जिसे वेद विज्ञान है उसका अपमान नहीं कर पाओगे आप, वो जो कुछ भी कहेगा इसे कुछ कहेगा, तुम्हारी आवाज खराब है, तुम्हारी शकल खराब है, काले हो, गरीब हो, किसे देख के कह रहा है वो, किसी और को देख करके, मुझे देख के बोलो, जिनने मम रूप न जाना बे शत्रु न मित्र समाना, तुम्हें कोई चिढ़ाता है स्कूल में, इस शरीर को देख के चिढ़ा सकता है, आत्मा को देख के कौन चिढ़ाएगा बोलो, कोई तुमसे कह दे गरीब हुआ, कोई अरबपति हुआ वो तुमसे गरीब कह देगा, तो कहाँ देखकर कह रहा, पैसा की ओर देख के चिढ़ा रहा है वो, हमें देख के बोलो, आपको पिछली बार पढ़ाया है याद है, ना मैं इंसान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया चाहे जो समझे मैं तो भगवान, अब जब मैं भगवान देखेगा उसे तो मजा ही मजा आएगा, और नहीं तो एक काम करो अभी चिढ़ा दो किसी को, ए ये कह के बस ओ चश्मे चश्मे वाला दुखी हो जाएगा, मुझे चश्मू कह दिया, मुझे चश्मू कह दिया, अरे वो दड़ियल गाड़ी वाले दुखी हो जाएंगे, और सांवले सांवला दुखी हो जाए, बोलो सुखी होने का मंत्र, स्वपर बोलो बोलो, तुम जिसे बोल रहे मैं वो मैं समझ में आ गया कुछ, इसलिए इसके मामले में मायाचारी नहीं बचेगी, क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं होगा, मान नहीं होगा, क्यों अपनी चीज नहीं है तो उसका मान करे, अजीब अपना नहीं है तो मान करे, 1 करोड़ 1 अरब 1 खरब 1 खरब रुपया हमारे पास है लेकिन वो अजीब है और हमारा नहीं है तो मान करोगे आप, तो 4 कसाई मिटेगी, तो वेद विज्ञान करने पर 4 कसाई मिटेगी, बराबर विचार करना, अभी समय हो गया, ओम नमः शिवाय।